हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीबीसी सीजी जॉब्स। आज की जो नौकरी है वो आ रही है छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो पोस्ट आ रहा है वो लेक्चरर का आ रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए। सब्जेक्ट की बात कर ले तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस एंड कॉमर्स के लिए एक एक लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है। बात कर ले मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आप इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। बात कर लें मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। 38,000 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। इसी के साथ अगले पोस्ट की तरफ बढ़ें तो हेडमास्टर का पोस्ट अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के लिए। टोटल बात करें इस वैकेंसी में पोस्ट की, तो एक पोस्ट अवेलेबल है हेडमास्टर के लिए जो कि अनरिजर्व्ड है। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और बीएड या डीएड मांगा गया है। और इसी के साथ आप टेट का एग्ज़ाम आप क्लियर किए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य होगा। और बात करें वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके लिए भी 38,100 रुपये सैलरी रखी गई है। आगे बढ़ते हुए वीडियो में बात करें हेडमास्टर, तो इंग्लिश मीडियम इसके लिए भी चाहिए, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए। इसी के साथ बीएड डीएड होना चाहिए आपके पास, साथ ही साथ टेट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है। इसी के साथ मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 35,400 रुपये सैलरी रखी गई है इस पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, टीचर का पोस्ट अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के लिए। मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तीनों में एक एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है। और इसमें बात करें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जिसमें बात करें आगे तो बीएड की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ आप टेट भी क्लियर किए हो। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम में आपका पूरा एजुकेशन होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस और 35,400 रुपये सैलरी रखी गई है। असिस्टेंट टीचर के लिए बात कर ली जाए इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स ये 4 सब्जेक्ट हैं इसके लिए, और चारों के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, के पास बीएड डीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ टीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। बात कर ले आगे सैलरी की, तो 25,300 रुपये सैलरी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर की, हिंदी मीडियम, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के लिए असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक एक पोस्ट तीनों के लिए अवेलेबल है। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा गया है विथ मिनिमम सेकेंड डिवीज़न। बीएड डीएड की रिक्वायरमेंट है, टेट कंपलसरी है। और बात कर ले वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 2 साल का। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मस्ट है, 25,300 रुपये की सैलरी रखी गई है। कंप्यूटर टीचर का एक पोस्ट आया है जिसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास इसके लिए। साथ ही साथ इसमें आपका मिनिमम सेकेंड डिवीज़न तो होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने चाहिए आप कंप्यूटर साइंस में भी। और 35,400 रुपये इसकी पर मंथ की सैलरी रखी गई है। लैब अटेंडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 डिपार्टमेंट में है जिसमें एक एक पोस्ट अवेलेबल है। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ मिनिमम सेकेंड डिवीज़न, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंपलसरी होगा एज अ मेन सब्जेक्ट। इसके साथ इंग्लिश मीडियम मस्ट है, 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस, 25,300 रुपये की सैलरी रखी गई है। लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है विथ मिनिमम सेकेंड डिवीज़न, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होना मस्ट है, और इसी के साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 22,400 रुपये इसके लिए सैलरी रखी गई है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की
पोस्ट अवेलेबल है, एक पोस्ट जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है BPED में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में, मिनिमम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, इसी के साथ स्कूलिंग जो है आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस, 25,300 रुपये सैलरी रखी गई है। इसी के साथ बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 21 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और 35 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट का जो मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ग्रेजुएशन पोस्ट जितने भी डिग्री मांगी गई है उसमें इंग्लिश मीडियम होना नेसेसरी है। तो बाकी टर्म एंड कंडीशन को आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करें इंस्ट्रक्शंस की अप्लाई करने की, तो आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इस PDF में देखने को मिल जाएगा। 23 नवंबर तक आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन BTI रोड महासमुंद डिस्ट्रिक्ट महासमुंद, पिन कोड आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन सेंड करना है 23 नवंबर शाम के 5 बजे से पहले। इसी के साथ बाकी टर्म एंड कंडीशन को आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस को भी आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ।